अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज हम असिस्टेंट डायरेक्टर नेब के पेज 2 के पास पेपर को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने पेज 1 के पास पेपर को सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी है, आप देख सकते हैं। पेज 1 और पेज 2 के पेपर्स 23 सितंबर 2020 को हुए थे, तो आज हम पेज 2 के पेपर को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर LFO वाज इम्प्लीमेंटेड बाय। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर को किसने इम्प्लीमेंट किया था? जवाब है इसका जनरल यहिया खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ इज। इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ कौन सा साल कहलाता है? 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री ज्वाइंड SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद पाकिस्तान इन 2017। क्वेश्चन कह रहा है कि 2017 में पाकिस्तान के साथ किस मुल्क ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था? इंडिया ने 9 जून 2017 को। अगला सवाल है, कुरान वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड टू विच लैंग्वेज। किस लैंग्वेज में पहले इसका तर्जमा किया गया कुरान का? परियन, फारसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस बेसन ट्रीटी एम्पावर्ड पाकिस्तान टू यूज द वाटर्स ऑफ। इंडस बेसन ट्रीटी पाकिस्तान को किन दरियाओं के पानी को इस्तेमाल करने के लिए इख्तियार देता है? इसका जवाब है इंडस, चेनाब एंड जेहलम। अगला सवाल है, क्रिस्टीना कोच हैज सेट रिकॉर्ड ऑफ हाउ मेनी डेज इन स्पेस। क्रिस्टीना कोच में खला में कितने दिन रहकर रिकॉर्ड कायम किया? 328 दिन। अगला सवाल है, विच कंट्री हैड अलाउड वुमेन टू ट्रेवल अब्रॉड विदाउट मेल कंसेंट। किस मुल्क ने मर्दों की इजाजत के बगैर औरतों को सफर करने के लिए इजाजत दी है? KSA किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया। अगला सवाल है, अंडर यहियास LFO लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर व्हाट ऑप्शन नेशनल असेंबली हैड इफ इट कुड नॉट फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन विद इन 120 डेज। यहिया के LFO के तहत अगर कोई भी नेशनल असेंबली 120 दिन के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं कर सकती, नहीं बना सकती, तो उसे वो क्या होती है? फिर डिसॉल्व ऑटोमेटिकली। अगला सवाल है, टेन्योर ऑफ नेब चेयरमैन इज। नेब के चेयरमैन का कितना टेन्योर है? 4 years. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ुल्करनैन इज मैंशनड इन विच सूरा। क्वेश्चन कह रहा है कि कुरान मजीद में ज़ुल्करनैन का जिक्र किस सूरा में है? सूरह काफ में। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आशर अजीम फिल्म। आशर अजीम फिल्म के नाम के फिल्म का नाम क्या है? मालिक एन यलगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज पास्ड ऑन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुआ था? 12 मार्च 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर करप्शन। करप्शन के लिए जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पनिशमेंट है कितनी है? 14 years. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल असेंबली पास द आर्मी अमेंडमेंट एक्ट 2020 ऑन। नेशनल असेंबली ने आर्मी अमेंडमेंट एक्ट 2020 कब पास किया था? 7 जनवरी 2020 को। और ये किस एक्ट में तरमीम की गई? 1952 के एक्ट में। अगला सवाल है, फतेह मक्का अकर्ड इन विच हिजरी। फतेह मक्का कब हुआ था? 8 हिजरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ड्यू रेड लाइन पाकिस्तान अफगान बॉर्डर। पाकिस्तान अफगानिस्तान की बॉर्डर की लंबाई कितनी है? 2640 किलोमीटर। अगला सवाल है, द कम्युनल अवार्ड वॉज मेड बाय ब्रिटिश PM रमसे मैकडोनल्ड ऑन। कब किया था ये? 16 अगस्त 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज अनाउंसड ऑन। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1905 को। और इसके तो उसको मनसूख कब किया गया? 1911 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एड्रेस द UNGA 75th सेशन। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने UNGA का 75वां सेशन से कब खिताब किया था? 25 सितंबर 2020 को, जबकि 2019 में इन्होंने 27 सितंबर 2020 को एड्रेस किया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वॉज पास्ड ऑन। इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कब पास हुआ? 11 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ बदर टुक प्लेस एंड बैटल ऑफ बदर कब हुई थी? 17 रमजान 2 हिजरी 624 AD को। अगला क्वेश्चन है, द अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जज इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीजनल कॉपरेशन फॉर डेवलपमेंट RCD वाज डिसॉल्वड इन RCD को कब खत्म किया गया था 1979 को इट वाज रिप्लेस्ड बाय ECO इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 1985 अगला सवाल है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डेटर डेटर का सिनोनिम क्या है डिस्करेज करना वार पुट ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 के आइन में कितने आर्टिकल्स हैं 1962 के आर्टिकल 1962 के आइन में 250 आर्टिकल 1956 के आर्टिकल में 234 आर्टिकल जबकि 1973 के आर्टिकल में 280 आर्टिकल और 7 शेड्यूल हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेसिडेंट कैन मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ द नेव ऑर्डिनेंसेस अंडर विच सेक्शन किस सेक्शन के तहत सेक्शन 34 नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेयरमैन नेब इज अपॉइंटेड अंडर विच सेक्शन किस सेक्शन के तहत इसे अपॉइंट किया जा सकता है सेक्शन 6 नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फूले इसका सिनोनिम क्या है एब्सर्डिटी क्रेजीनेस और फूलिशनेस नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट इंडस्ट्रियस हार्ड वर्किंग अगला सवाल है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एवर एवर के सिनोनिम क्या है डिक्लेयर करना मेंटेन क्लेम असर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सन हु लैंडेड ऑन द डार्क साइड ऑफ मून उस शख्स का नाम क्या है एस्ट्रोनॉट हैरिसन स्कैमिट नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैड अटेंडेड ग्लोबल फोरम ऑन रेफ्यूजीज इन जेनेवा इन 2019 में ग्लोबल फॉर्म ऑन रेफ्यूजीज को किसने अटेंड किया था PM खान ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 17 से 18 दिसंबर 2019 को अगला सवाल है हाउ मेनी आइडल्स वर कैप्ट इन काबा कितने बुत रखे गए थे 360 नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन साइमन कमीशन इंडिया कब पहुंचा था 1928 को 1928 को नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट पिशावर एस्टेब्लिश्ड इन कब बना था कब कायम किया गया 1947 को अगला सवाल है व्हाट इज द यंगेस्ट बॉलर टू टेक अ हैट्रिक कौन है नसीम शाह नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेड डेफिसिट ऑफ पाकिस्तान इन 2019-20 श्रैंक टू 2019-20 में पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट कितना था खसारा 23.18 बिलियन US डॉलर्स अगला क्वेश्चन है हु इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म जैनिज्म के फाउंडर का नाम क्या है नता पोता महिवरा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सीट्स वॉन बाय अवामी लीग इन 1970 इलेक्शंस कितने सीट जीती 160 आउट ऑफ 300 नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज कन्विक्टेड इन रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस किसको कन्विक्ट किया गया था रावलपिंडी केस में मेजर जनरल अकबर खान एंड फेज अहमद फेज और दूसरे लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अपॉइंट्स चेयरमैन नैब को कौन अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड इमाम बुखारी बॉर्न इन इमाम बुखारी कब पैदा हुए 21 जुलाई 810 AD को नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2019 वाज इशूड बाय ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन इशूड किसने इशू की 2019 की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाउ मैनी सीट्स वर वॉन बाय मुस्लिम लीग इन 1945-46 प्रोविंशियल इलेक्शंस 1945-46 के सूबाई इलेक्शंस में मुस्लिम लीग ने कितनी सीट्स जीती 425 अगला सवाल है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिसेंटर अनअर्थ एक्सियम और अनबेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन अफगानिस्तान प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ट्वाइस दो मरतबा अफगानिस्तान के सदारती इलेक्शन किसने जीते अशरफ गनी ने अगला सवाल है नेम द कंट्री व्हिच इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्ट्स कौन करता है USA और इम्पोर्ट सबसे ज़्यादा कौन सऊदी अरबिया है नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ करंट नेशनल असेंबली इज कौन सी है नेशनल असेंबली अभी जो मौजूदा है 15वीं नेशनल असेंबली है
अगला सवाल है, गवादर वाज बॉट बाय पाकिस्तान फ्रॉम विच कंट्री, किस मुल्क से खरीदा गया गवादर को? ओमान से। कब? 8 सितंबर 1958 को। अगला सवाल है, दी नेम मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज मेंशन्ड इन कुरान हाउ मेनी टाइम्स, कितनी मरतबा जिक्र है इसका? 4 times। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट खाना काबा, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एंड हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। अगला सवाल है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली चेंज्ड इट्स गार्डियन लॉ? सऊदी अरबिया। सवात वास मर्ज इन पाकिस्तान एंड सवात को पाकिस्तान में कब मर्ज किया गया था? July 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सूरा स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्ला, कौन सी सूरत है वो? सूरत तौबा। अगला सवाल है, कैन नेब चेयरमैन एक्सटेंड टेन्योर ऑफ प्रोसिक्यूटर जनरल, क्या नेब का चेयरमैन प्रोसिक्यूटर जनरल की मुदत को बढ़ा सकता है? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ड्राफ्टेड वारदा स्कीम अंडर द गाइडेंस ऑफ गांधी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला सवाल है, नेब ऑर्डिनेंस वाज प्रोमल्गेटेड बाय, नेब ऑर्डिनेंस को किसने नाफिज किया था? परवेज मुशरफ ने इन 1999 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन बॉट अ शो पीस इन 7000 एंड सोल्ड इन 21000, द प्रॉफिट इज 200%। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल प्रेप फॉर एग्जाम्स।